बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय। ये विषय जितनी महिलाएं हैं और इस संसद में बैठे हुए सभी के लिए एक बहुत संजीदगी वाला विषय है, और इस हाउस ने पहले भी इस विषय के ऊपर अपना जो वक्तव्य और जो एक मन बताया वो कानून में बदलाव लाकर बताया, और निर्भया कांड के बाद इस संसद के सदन ने उस कानून में बदलाव लाया, क्योंकि हम सब समाज में बदलाव लाना चाहते थे और अपने आप को इस विषय पर जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री बनी उससे मुझे लगता है कि लगातार भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं है, और उस आघात में जिस तरीके से, जिसको कहा जाए कि क्वेस्ट टू फाइंड फॉल्ट विद द पुलिस सिस्टम, क्वेस्ट टू फाइंड फॉल्ट विद द जुडिशियल सिस्टम जो चल रहा है, वो इस इंटरव्यू के बाद उन लोगों को समझ आ गया होगा कि इस देश की पुलिस और इस देश का जुडिशियल सिस्टम और इस देश की पार्लियामेंट सही काम करती है और दोषियों को ही पकड़ती है। और आज भी इस हाउस का जो सेंस है वो कहीं ना कहीं सरकार से ये कह रहा है कि हमें इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाना है। तीसरा, मैं आपके सामने ये भी बताना चाहती हूँ कि पूर्व में संसद एक तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस विषय पर जब अनुमति दी गई तो उस समय शायद यूपीए की सरकार जो है, आप किसी मैं, को मैं व्यक्ति को नहीं, मैं जो होगा सो होगा। आप स्पीकर महोदया, मैं वही बात रखना चाहती हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रंजीता जी, उसकी जांच हो रही है। ये ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ है और इसकी तहकीकात पूरी तरह होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बोलो जांच हो जाए। और टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि लगातार भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश है, और टूरिज्म जिस तरीके से अफेक्ट हो रहा है और जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं और जिस तरीके की घटनाएं प्रकरण है उसमें मेरा ये मानना है कि 354 की जो धारा है, जो इस संसद ने ही वो बिल पारित किया, उसको एक्ट IPC में अमेंडमेंट लाए, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इस तरीके के जो अपराध है उनका इस्तेमाल पुलिस को करना चाहिए, ताकि जो पर्यटक भारत में आते हैं उसके खिलाफ पुलिस ये ना कहे कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है उसको कंट्रोल करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी टूरिज्म को लेकर बहुत विशेष तौर पर दृष्टिकोण रखते हैं और ध्यान दे रहे हैं, तो टूरिज्म को लेकर 354 दिल्ली पुलिस एक्ट, एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग, इन सब देश के कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए और लगातार भारत की प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहिए। श्री विनायक राउत।